यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दीपावली, छठ पूजा और देवउठनी एकादशी सहित शादी के सीजन में जबरदस्त भीड़ की वजह से रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें, रेलवे ने 54 ट्रेनों में 58 से अधिक कोच की अस्थायी बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। पूरे नवंबर महीने तक विभिन्न रूट की ट्रेनों में नो रूम यानी वेटिंग टिकट बंद हो गई है। बता दें, सबसे अधिक भीड़ वैष्णो देवी जाने वाली पूजा सुपरफास्ट ट्रेन में है। रिजर्वेशन एक्सपर्ट अजय कश्मीरी के अनुसार ट्रेन नंबर 12413 में दीपावली के बाद 20 नवंबर तक थर्ड एसी में नो रूम है। वही 15 और 17 नवंबर को स्लीपर कोच में भी नो रूम है। इसी तरह 156333 बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में 15 नवंबर को स्लीपर थर्ड एसी में भी नो रूम है। वही सेकंड एसी में कंफर्म नहीं होने वाली 30 से अधिक वेटिंग है। गुवाहाटी के अलावा हावड़ा, लखनऊ, सियालदा जाने वाली ट्रेनों में भी जबरदस्त भीड़ है। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, जम्मूवती, कोलकाता, अहमदाबाद, गुवाहाटी सहित विभिन्न रूट पर जाने वाली ट्रेनों में दीपावली से पहले ही लंबी वेटिंग है। बता दें, दीपावली के बाद भी ट्रेनों में जगह नहीं है। वही बीकानेर, गुवाहाटी के अलावा भी 12988 अजमेर, सियालदा जाने वाली ट्रेनों में भी जबरदस्त भीड़ है। आगामी त्योहार को देखते हुए ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट शुरू हो गई है, जिसे देखते हुए रेलवे ने ये बड़ा फैसला लिया है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।